मेरा नाम मत लीजिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, और यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, हम लोगों ने काम किया और तालिमी मरकज का और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, आप इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। तो ये सब हम करने जा रहे हैं, बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तो भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है, सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही नकारी ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे तो बेचारे तो कहीं भी, तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं, और गरीब गुरबा तबके को आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए, बिहार में तो इतना काम हो गया, लेकिन आजकल तो कुछ इच्छे उसे ना दुष्प्रचार करता है। आज जो मेरे साथे था तो उसका कोई था, आप जरा बताइए, पांचे से आए तो साथ में थे, तो जो हमने कार्यक्रम घोषित किया वही ना रहा जी, और 10 में जो कार्यक्रम घोषित किया वही ना रहा, अब 15 में जो ये लोग साथ थे जो आज भी साथ हैं, तो हमने जो 7 निश्चय किया वो भी माने, आ इनसे अलग हट करके उनको साथ मिलाए वो भी मान गए, अब अभी 7 निश्चय 2 किया तब वो अब उनसे अलग हो गए, अब बाकी लोग भी मान गए। तो क्या करते हैं, कार्यक्रम तय हम ना करते हैं और वही कार्यक्रम के आधार पर होता, ये लोग कौन काम करते थे।